नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। फ्रेंडली मैच है ये दोस्तों, और ये आज रात में 12:15 बजे से है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट दो गेम्स जो ये दोनों खेली हैं टीम्स, वो यूनाइटेड नेशंस लीग की थी, जहाँ पोर्चुगल दोनों गेम जीत गई 4-1 अगेंस्ट क्रोएशिया और 2-0 अगेंस्ट स्वीडन। स्पेन की बात करें तो वो जर्मनी के साथ 1-1 ड्रॉ करी थी उन्होंने, बट यूक्रेन को उन्होंने 4-0 से हराया। इस पर्टिकुलर गेम में दोस्तों अगर आप देखो तो ये दोनों टीम्स अपनी वर्ल्ड कप की जो 3-3 वाली ड्रॉ थी, अगर आपको याद होगा तो, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हैट्रिक मारी थी, उसके बाद इनकी ये पहली मुलाकात हो रही है। इसके दरमियान ये दोनों टीम्स ने लगभग 18 गेम खेली है, जिसमें से पोर्चुगल केवल एक गेम हारी है और स्पेन केवल दो गेम हारी है। और सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि पोर्चुगल अपने घर पे पिछले 4 साल से नहीं हारी है। हमारी एक्सपेक्टेशन इस पर्टिकुलर गेम से ये होगी कि ये ड्रॉ होना चाहिए 1-1 या 2-2 काइंड ऑफ अ स्कोर लाइन से। अगर हम दोनों टीम्स के की स्टैट्स की बात करें तो पिछले 6 एनकाउंटर्स जो हुए हैं दोनों टीम्स के बीच में, उसमें से पोर्चुगल 2 बार जीती है और स्पेन 3 बार जीती है। पोर्चुगल का अगर हम करंट फॉर्म देखें तो पिछले 6 मैच में से 5 बार जीते हैं और 1 गेम हारे हैं, और टोटल 18 गोल स्कोर करे हैं इन्होंने इस समय। स्पेन की बात करें तो इन्हीं 6 गेम्स के दरमियान 3 हारे हैं और 3 जीते हैं और 3 ड्रॉ करी है, बट टोटल स्कोर 19 गोल का है इनका। तो जैसे मैं कह रहा था दोस्तों, इस पर्टिकुलर गेम में भी दोनों तरफ से गोल्स होंगे, इधर 1-1 या 2-2 काइंड ऑफ अ सेटअप ये हो सकता है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें तो पोर्चुगल ने 4 अनकैप प्लेयर्स को इस पर्टिकुलर गेम के लिए उतारा हुआ है, और ज्यादा उन्होंने यू नो ये किया, लिस्ट किया है अपनी टीम्स में, और इसमें से आपके जान ही थे जो प्लेयर्स होंगे जो आप बेसिकली प्रीमियर लीग वगैरह में देखते हो, वो है जोटा, वो है फर्नांडिस, रूबिन डायस जो भी मैन सिटी के लिए आए हैं वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं, समेडो, तो ये सारे प्लेयर्स आपको काफी वाकिफ हो गए आप इन सब प्लेयर्स से। स्पेन की बात करें तो स्पेन की तरफ से अडामा त्राओरे राइट साइड पे खेलेंगे, जो उनको ये उनके पास बेसिकली चॉइस था कि माली के लिए खेलें या स्पेन के लिए, उन्होंने स्पेन को पिक किया है, तो वो इस पर्टिकुलर गेम में अवेलेबल होंगे। अंसू फटी जो बार्सिलोना के प्लेयर हैं दोस्तों, काफी उमदा फॉर्म में है और इस पर्टिकुलर गेम में भी वो स्टार्ट करेंगे। और बैक लाइन में रोबर्टो रामोस, टोरेस और रेगुलॉन, ये 4 प्लेयर्स उतरेंगे। कीपर होंगे अराजीबालागा, जो चेल्सी के जाने माने कीपर हैं, जहां उनकी स्पेल्स चेल्सी की टीम में से हट चुकी है, बट यहां फिर भी वो स्टार्ट कर जाएंगे इस पर्टिकुलर गेम में। स्पेन के लिए एक प्लेयर जो अवेलेबल नहीं होगा वो है डैनी कारवायल, जो इंजर हो चुके थे, और सेकेंड प्लेयर जो अवेलेबल नहीं होंगे वो हाल ही में थियागो अलकांतरा, जो कोविड की वजह से नहीं खेल सकते हैं फिलहाल की गेम्स में। की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों तो पोर्चुगल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्क्वाड में तो जरूर है, पर इस पर्टिकुलर गेम में बिकॉज ये फ्रेंडली है उनका खेलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज उनकी कम्पिटिटिव गेम्स जल्द आ रही हैं, तो वो नहीं अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जाओ फेलिक्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 1 गोल 1 असिस्ट मारा हुआ है। चांचेलो आज की गेम में नहीं दिखाई देंगे, बट अच्छे प्लेयर हैं वो भी। जोटा ने 1 गोल मारा हुआ है। पोडेंस जो अपने अगेन वुल्व्स के प्लेयर हैं, वो भी इस पर्टिकुलर गेम में स्क्वाड में है, शायद स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेन की बात करें तो सर्जियो रामोस फेवरेट प्लेयर है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स, बिकॉज ये पेनल्टीज पर होते हैं, यू नो सेट पीसेस पे काफी डेंजरस होते हैं, तो इनका आपकी टीम में होना बहुत जरूरी है। 2 गोल मार चुके हैं अब तक। अंसू फटी जो बार्सिलोना के लिए भी काफी उमदा फॉर्म में है, काफी सही खेल रहे हैं, उनका भी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। रेगुयॉन जो डिफेंडर है वो भी काफी अच्छे हैं, कड़क खेलते हैं और काफी अटैकिंग रिटर्न्स भी दे सकते हैं। और दूसरे प्लेयर जो यहाँ लिस्टेड नहीं है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, वो है ब्रूनो फर्नांडिस, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर है, पेनल्टीज लेते हैं मैनचेस्टर के लिए। शायद आज की गेम में सर्जियो रामोस लेंगे अगर वो हैं प्रेजेंट फील्ड पर, और ब्रूनो फर्नांड सॉरी पोर्चुगल की तरफ से ब्रूनो फर्नांडिस ले सकते हैं, सर्जियो रामोस तो स्पेन की तरफ से लेंगे। तो दोस्तों ये मोटा मोटा अपने की प्लेयर्स और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स की बात हो गई। सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो हमने अब टॉप जोटा, फेलिक्स और फटी, इन 3 प्लेयर्स को लिया हुआ है। तीनों अपने आप में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस हैं। जोटा को शायद मैं 3rd रैंक करूंगा विद इन दीज 3 प्लेयर्स, टॉप रैंक होंगे फटी और फेलिक्स, आप स्वॉप कर सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इन तीनों के बीच में। मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडिस, कारवालियो, अडामा ट्राउरे और मेरिनो, इन 4 प्लेयर्स को लिया हुआ है हमने, जिनमें से ब्रूनो फर्नांडिस हमारे एक पसंदीदा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक है, बिकॉज ये पेनल्टीज पर भी होते हैं, है ना, तो उसके लिए हमने इनको चूज करा हुआ है और उनको शायद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे भी सकते हैं। फाइनली हमारी क्या 11 होती है,
वो डिपेंड करेगा कि लाइनअप क्या आती है। तो दोस्तों लाइनअप आने से 20 मिनट्स पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर लाइव रहिएगा, बिकॉज वहां पे हम हमारी टीम दे देंगे आपको जो जिसकी, और ये टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो दोस्तों उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यदि आपको फाइनल प्रॉपर 11 चाहिए अलॉन्ग विद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक, तो आपको FSP VIP क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ दिए गए नंबर पर आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिफेंस में हमने लोपेस, टोरेस, रामोस और रेगुओन इन चार प्लेयर्स को लिया हुआ है। रामोस और रेगुओन को लेने का एक सोल मात्र ये है कि दोनों अटैकिंग रिटर्न्स दे सकते हैं। इनफैक्ट रामोस को तो मैं कैप्टनशिप मटेरियल भी मानता हूँ, बिकॉज इवन इफ ही कंसीड्स गोल्स क्वाइट हाई लाइकली है कि पेनल्टी लेकर ये पेनल्टी स्कोर भी कर दें, है ना। तो दोस्तों ये हमारी मोटा मोटा सैंपल टीम हो गई। जैसे मैं कह रहा था, फाइनल टीम आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री वाली, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपसे किसी और फुटबॉल और क्रिकेट गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।